तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों ये है मेरे हाथ में रियलमी 6 डिवाइस और इसमें अभी लेटेस्टली एक अपडेट आया। आप देख सकते हो रियलमी 6 कॉमेट ब्लू वाला वर्जन है और इसमें अभी एक लेटेस्टली अपडेट आया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग सेक्शन में आपको एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम चल के देख लेते हैं क्योंकि जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रियलमी 6 के लिए भी और अदर डिवाइसेज के लिए भी, क्योंकि मोस्टली डिवाइसेज में ये अपडेट आने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो वर्जन है 8.11 वाला, यहाँ पर आप देख सकते हो और जो साइज़ है 318 MB का था। अपडेट फीचर के बारे में मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच है मार्च 2020 का यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है और सिस्टम में यहाँ पे कुछ इश्यूज़ आ रहे थे। स्वाइप अप जेस्चर जब आप इनेबल कर रहे थे तो गूगल असिस्टेंट इनेबल हो रहा था। कैमरा सेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपडेट यहाँ पर दिया गया है। फ्रंट नाइट मोड का ऑप्शन यहाँ पर अभी दे चुका है। फ्रंट नाइट मोड आपको अभी तक मोबाइल में नहीं मिलता था, नाइट मोड का ऑप्शन रेयर कैमरे के लिए ही मिलता था, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन अभी दे दिया गया। एक और यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरा सेक्शन में आपको फ्रंट में 120 FPS पे स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे दिया गया है। अभी आपने देखा होगा कि जो नोट नाइन प्रो लॉन्च हुआ है शाओमी की तरफ से, उसमें फ्रंट में भी स्लो मोशन का ऑप्शन है ताकि आप अच्छे खासे वीडियो यहाँ पे स्लो मोशन में फ्रंट से भी बना सको। तो ये वाला जो अपडेट है अभी यहाँ पे आ चुका है। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हो ये जो ओल्ड वर्जन है यहाँ पे नाइट वाले मोड में अभी आपको यहाँ पे रेयर का ही ऑप्शन देखने को मिलता है, फ्रंट ऑप्शन इनेबल नहीं होता है। और अगर मैं यहाँ पे स्लो मोशन वाले सेक्शन में चले जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्लो मोशन सेक्शन में भी रेयर कैमरे का ही ऑप्शन आता है, फ्रंट कैमरे का ऑप्शन नहीं आता। तो अपडेट के बाद देखते हैं ऑप्शन आता है या नहीं। तो अपडेट को यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया है और फटाफट से अपडेट नाउ पे क्लिक करके इसे अपडेट कर लेते हैं। लेकिन मैंने दोस्तों एक और सरप्राइज़ है, यहाँ पे जो फीचर्स दिए गए हैं उसमें नहीं बताया गया है, बट एक जो ऐप्स है जिसे आपको चाहिए था वो ऐप यहाँ पे अपडेट के बाद अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो डिवाइस है रिबूट हो चुकी है और मैं यहाँ पर आपको अबाउट फ़ोन सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, आप देख सकते हो 8.11 यहाँ पे अभी अपडेट हो चुका है। एंड्रॉयड 10 रियलमी UI कलर वाइज 7 बेस्ट है और यहाँ पे फीचर्स में अगर मैं जाके आपको बता दूँ तो सेम वही फीचर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं जो कि पहले आपको मैंने बताए थे, बट एक जो ऐप है वो मैं आपको बताऊँगा कि वो भी यहाँ पर इंस्टॉल हो गई है इनबिल्ट इस अपडेट के द्वारा। तो चलिए फटाफट से पहले देख लेते हैं हम कैमरा सेक्शन में, क्योंकि ऊपर वाला ऑप्शन तो आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट में, जैसे ही नाइट मोड में मैं क्लिक कर रहा हूँ, टैप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट में भी नाइट मोड का ऑप्शन अब इनेबल हो चुका है। तो जैसे ही आप रेयर में नाइट मोड यूज़ करते थे रेयर कैमरे के लिए, आपको फ्रंट कैमरे में भी अगर आप सेल्फी वगैरह ले रहे हैं नाइट में तो आप डार्क में भी अब सेल्फी ले सकते हैं अच्छे से नाइट मोड के थ्रू। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि रियलमी 6 में अभी इनेबल कर दिया गया है। रियलमी की मोस्टली डिवाइसेस में ये फीचर्स जो है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे स्लो मोशन वीडियो के बारे में। फ्रंट में भी स्लो मोशन वीडियो आ चुका है। स्लो मोशन वीडियो को जैसे ही मैं टैप करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर स्लो मोशन वीडियो अभी रेयर कैमरे के लिए ऑन है। यहाँ पर 240 FPS पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो और यहाँ पर 120 FPS पे भी आप रेयर में स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन आप फ्रंट में अब ऑप्शन आपको मिल जाता है 120 FPS पे आप स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये वीडियो जो है मैंने रियलमी 6 के फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड किया है 120 FPS पे स्लो मोशन वीडियो। अगर आप सेल्फी लेते हो सेल्फ की तो यहाँ पे आप उस टाइप से जो है स्लो मोशन वीडियो सेल्फ का आप रिकॉर्ड यहाँ पे फ्रंट में कर सकते हो। शाओमी ने अभी ये फीचर्स प्रोवाइड किया है और रियलमी ने भी अभी ये फीचर्स प्रोवाइड कर दिया है। अब वीडियो के शुरू में मैंने आपको बोला था एक फीचर और एक APK और है जो कि इंस्टॉल हो चुकी है, जो कि फीचर में नहीं दिखाई थी। आप भी देख सकते हो स्लो लोप ऐप जो है जिसकी आप डिमांड करते हैं, स्लो लोप ऐप यहाँ पे इनबिल्ट यहाँ पे अभी इंस्टॉल हो चुकी है। अगर आपको ये ऐप चाहिए तो इसके रिकॉर्डिंग वीडियो मैंने बनाया है, बट वो चाइनीज़ वेरियंट था, ये इंडियन वेरियंट है। ये इंडियन स्लो लोप ऐप जो है अब आप देख सकते हो कलर OS 7 के साथ जो आने वाली थी वो रियलमी 6 में अभी आ चुकी है। तो धीरे धीरे करके जो भी ऐप्स बोला था रियलमी ने आप इनेबल हो जाएगी। आप देख सकते हो इस टाइप से आप कोई भी वीडियो ले सकते हो और इसे आप टिकटॉक वगैरह या फिर कोई सोशल मीडिया साइट में आप, या अगर आप ब्लॉग बना रहे हो तो ब्लॉग में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो एडिटिंग के बहुत सारे ऑप्शन स्लो लोप ऐप में अवेलेबल हैं, तो कुछ इस टाइप से आप स्लो लोप ऐप का यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास में रियलमी 6 है या फिर रियलमी की और भी कोई डिवाइसेस हैं तो धीरे धीरे करके ये सारे जो अपडेट हैं नाइट मोड वाले, स्लो मोशन वीडियो वाले, फ्रंट वाले, ये आपके मोबाइल में अभी बहुत जल्दी अपडेट आपको मिल जाएगा।
तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। Realme 6 के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस इन फ्यूचर में आपके लिए लेके आऊँगा, तो अगर से अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सीख लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बोलते रहिए वंदे मातरम।